नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक समाचार। टेक्नोलॉजी, साइंस और एस्ट्रोनॉमी की दुनिया से जुड़ी कुछ मजेदार खबरों की हेडलाइंस ये रही आपके सामने। तो चाय की कप उठा लें और चुस्कियां लेते हुए मजा लें आज की ताजा खबरों का। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करते हैं गिव अवे से। मेरे चैनल पर 3 बुक्स का गिव अवे लाइव है, जिसका नाम है सेपियंस, सर इलॉन मस्क की बायोग्राफी और सर स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की एक रिसर्च में पाया गया है कि साइंटिस्ट लेजर बीम्स की मदद से चूहों के माइंड को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर सकते हैं। गेमर्स के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है कि आज इंडिया में एक्सबॉक्स सीरीज एक्स और सीरीज एस लॉन्च होने जा रहा है। साइंटिस्ट ने हाल में ही एक प्लैनेट को खोज निकाला है जिसका नाम K2-141b है, जहां पर 100 किलोमीटर गहरा लावा की ओशियंस मौजूद हैं। खबर आ रही है कि आने वाले OnePlus 9 में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले लगा हो सकता है, जो 2021 में मार्च के महीने में लॉन्च हो सकता है। नासा ने अपनी नई रिसर्च रिपोर्ट में यह दावा किया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में आधे से ज्यादा स्टार्स के चारों तरफ हमारी पृथ्वी की तरह ही हैबिटेबल प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कल हबल टेलीस्कोप ने स्पेस में स्पेस कैस्केड की एक शानदार इमेज को कैप्चर किया, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। व्हाट्सएप में अब एक नया अपडेट आने वाला है, जिसकी मदद से अब आप व्हाट्सएप पर शॉपिंग कर पाएंगे। साइंटिस्ट ने एक इलेक्ट्रॉनिक नोज को बना लिया है, जिसकी मदद से आप दुकानों पर यह पता लगा पाएंगे कि वहां पर बिकने वाला मीट कितना ताजा या तो कितना बासी है। बहुत ही जल्द हमें OnePlus की तरफ से OnePlus Nord SE Snapdragon 675 प्रोसेसर के साथ मार्केट में देखने को मिल सकता है। Xiaomi इंडिया में Redmi Note 9 5G एडिशन को 17,000 रुपए तक का लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। नासा ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लगभग 300 मिलियन प्लैनेट्स पर जीवन मिलने की संभावना है। बात करें दिन के आखिरी खबर की, तो साउथ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 मिलियन साल पुराने इंसान की खोपड़ी को, मतलब ह्यूमन स्कल को, खोद कर जमीन से निकाला है। हुई ना ये चौंकाने वाली बात। तो आज के समाचार में बस इतना ही। आज का समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले दिन कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।